हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्मार्ट में। दोस्तों, ये रेडमी का फोन है। दोस्तों, रेडमी के फोन में आज दोस्तों इस 5 सेटिंग के बारे में बताऊंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसके बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको इसमें जो है आपको अपना फोन रिपोर्ट करने के बारे में बताऊंगा। स्क्रीन शॉट, टॉक बैक, ऑटो कॉल आंसर एंड प्रोमेटी सेंसर के बारे में दोस्तों इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखना, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, रेडमी का यदि आपका कोई भी फोन है दोस्तों अचानक उसका टच चलते चलते काम करना बंद कर दिया है, आपका टच हैंग हो गया है दोस्तों, ऐसे में आप अपना फोन रिपोर्ट करना चाहते हैं, रिस्टार्ट करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप कैसे अपने फोन को रिबूट और रिस्टार्ट करोगे दोस्तों, मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करना है आपको जो है पावर बटन को आपको 10 सेकंड तक प्रेस करके रखना है दोस्तों। तो चलिए आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, आपको जो है पावर बटन प्रेस करके रखना जब तक आपका फोन जो है रिबूट ना हो जाए दोस्तों। तो यहाँ पे पावर बटन केवल प्रेस करना है लगभग 10 से 15 सेकंड जब तक आपका फोन रिबूट ना हो जाए। देखिए, अब हमारा फोन जो है रिबूट हो गया दोस्तों। कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक जो है चलते चलते हमारा जो है टच काम करना बंद कर देता है, टच हैंग हो जाता है। तो ऐसे में दोस्तों आप जो है अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करना चाहते हैं तो आप स्विच ऑफ नहीं कर पाते क्योंकि आपका टच नहीं काम करता है। तो क्या करना है स्विच ऑफ करने के लिए, रिबूट रिस्टार्ट करने के लिए आपको जो है पावर बटन को लगभग 10 से 15 सेकंड तक प्रेस करके रखना है दोस्तों। बहुत ही अच्छा फीचर है दोस्तों, बहुत ही अच्छा सेटिंग है दोस्तों। यदि आपका अचानक टच काम करना बंद कर दिया तो जो है आप अपने फ़ोन को जो है इस प्रकार से रिबूट करोगे तो आपका जो है टच काम करना शुरू कर देगा दोस्तों। यदि आपका टच खराब नहीं हुआ होगा तो आपको जो है टच काम करना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए हमारा टच काम करना बंद कर दिया है दोस्तों। ये रहा हमारा दोस्तों पहला सेटिंग, पहला फीचर दोस्तों। अब हम दूसरे सेटिंग के बारे में दोस्तों बताएंगे आपको जो है अपने मोबाइल में स्क्रीन शॉट कैसे लोगे। तो स्क्रीन शॉट लेने के दो तरीके बताऊँगा दोस्तों। सबसे पहला तरीका है आपको 3 फिंगर से ऊपर के तरफ से नीचे की तरफ स्वाइप करना है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए स्क्रीन शॉट हो जाएगा। और दूसरा तरीका यह है दोस्तों, वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन दोनों बटन को आपको लगभग 1 से 3 सेकंड तक प्रेस करके रखना है दोस्तों। दोनों को एक साथ आप प्रेस करोगे तो अभी आपका स्क्रीन शॉट हो जाएगा दोस्तों। तो सबसे पहला तरीका जो है दोस्तों, आपको 3 फिंगर से ऊपर से नीचे की तरफ आप स्वाइप करोगे तो आपका जो है स्क्रीन शॉट हो जाएगा। और दूसरा तरीका है जो दोस्तों, आपको वॉल्यूम डाउन बटन और जो है पावर बटन दोनों बटन को लगभग 1 साथ 3 सेकंड तक प्रेस करोगे तो आपका जो है स्क्रीन शॉट हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से आप अपने मोबाइल में दो प्रकार से जो है स्क्रीन शॉट ले सकते हो दोस्तों। पहला तरीका जो है दोस्तों, आप जो है स्वाइप करके, और दूसरा जो है वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन दोनों बटन को एक साथ प्रेस करके दोस्तों आप अपने फ़ोन में जो है स्क्रीन शॉट ले सकते हो दोस्तों। और अब हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण सेटिंग के बारे में दोस्तों, जो है यहाँ पे तीसरा सेटिंग जो है आपका टॉक बैक। कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक आप जो है जेब में अपना फ़ोन रखते हैं और आपका जो है वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन दोनों बटन यदि आपका एक साथ प्रेस हो जाता है तो आपका जो है टॉक बैक स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। और टॉक बैक जब स्टार्ट हो जाता है तो आपका टच जो है काम नहीं करेगा दोस्तों। आप देखिए, एक बार क्लिक करोगे तो ऐसे हरे रंग का आइकन बनेगा, मोबाइल से बोलने की आवाज़ आएगी और आपका टच जो है जल्दी काम नहीं करेगा दोस्तों। ऐसे में क्या करना है, किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए दोस्तों एक बार क्लिक करना है, किसी भी ओके करने के लिए दोस्तों डबल क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो है टॉक बैक इनेबल हो गया है। यहाँ पे कहीं भी हम क्लिक कर रहे हैं तो हरे रंग का आइकन बनना है दोस्तों। ऐसा में यदि ऐसा प्रॉब्लम आपके मोबाइल में हो जाता है तो आप कैसे ठीक करोगे दोस्तों, मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखना। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। तो यहाँ पे वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन दोनों बटन को आप जो है एक साथ प्रेस करोगे तो आपका जो है टॉक बैक ऑफ भी हो जाएगा। यदि आपका मतलब भूल कर भी टॉक बैक ऑन हो गया है, जैसे वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन दोनों बटन, वॉल्यूम अप बटन और डाउन बटन एक साथ प्रेस होंगे तो मतलब आपको ऐसा हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आप अपना लॉक खोल लीजिए दोस्तों। आपको किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए डबल जो है क्लिक करना है दोस्तों, और इधर उधर करने के लिए आपको डबल फिंगर का प्रयोग करना है दोस्तों। डबल फिंगर का प्रयोग करोगे तो आपका होगा दोस्तों। तो सबसे पहले चलो सेटिंग में जाते हैं। सेटिंग में जाने के बाद आप जो है नीचे जाएंगे दोस्तों। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ सेटिंग से, या आपको एडिशनल सेटिंग में चले जाना है। तो यहाँ पे एडिशनल सेटिंग में जाना, उसके बाद यहाँ पे देखिए एक्सेबिलिटी लिखा हुआ है। एक्सेबिलिटी पे एक बार क्लिक करोगे तो सेलेक्ट हो जाएगा, डबल क्लिक करोगे तो ओके हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको वर्जन लिखा होगा, तो यहाँ पे वर्जन पर एक बार क्लिक कीजिए, उसके बाद यहाँ पे डबल प्रेस कीजिए, ओके हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए टॉक बैक यहाँ पे ऑन है, टॉक बैक पे एक बार क्लिक कीजिए, ये आपका सेलेक्ट हो जाएगा। डबल प्रेस करोगे तो आपका ओके हो जाएगा। तो यहाँ पे ओके कर देंगे, उसके बाद यहाँ से ऑफ करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे डबल क्लिक करके ऑफ करेंगे, यहाँ पे स्टॉप, स्टॉप पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो है टॉक बैक ऑफ हो गया दोस्तों। ये रहा पहला तरीका। और दूसरा तरीका जो है दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका है। जैसे वॉल्यूम डाउन बटन और वॉल्यूम अप बटन दोनों प्लस माइनस दोनों बटन को एक साथ आप प्रेस करोगे तो आपका जो है टॉक बैक इनेबल भी हो जाएगा और टॉक बैक डिसेबल भी हो जाएगा दोस्तों। चलिए आपको एक बार करके फिर से दिखाता हूँ दोस्तों इस वीडियो में। तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम अप बटन और डाउन बटन दोनों बटन को एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा जो है, चलिए फिर से आपको करके दिखाता हूँ। वॉल्यूम डाउन बटन और जो है प्लस बटन दोनों बटन एक साथ प्रेस हो गए तो हमारा जो है फिर से टॉक बैक इनेबल हो गया है। अब हमारा जो है टच जो है एक फिंगर से नहीं काम करेगा, डबल फिंगर का हमें प्रयोग करके काम करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे हमें स्विच मतलब इसको स्टॉप करने के लिए भी, इसे डिसेबल करने के लिए भी जो है हमें वॉल्यूम डाउन बटन और जो है वॉल्यूम अप बटन दोनों बटन को एक साथ प्रेस करना है दोस्तों। तो दोनों बटन को एक साथ जब हम प्रेस करेंगे तो फिर से हमारा जो है टॉक बैक डिसेबल हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए फिर से यहाँ पे हम
कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा जो है टॉल बॉय डिसेबल हो गया है। यहाँ पे देखिए अब हम कहीं भी प्रेस करेंगे तो हमारा जो है तुरंत काम करने लगेगा दोस्तों। और हम आप चलिए 14 सेकंड के बारे में बात करेंगे दोस्तों, प्रोमेटी सेंसर के बारे में दोस्तों। तो प्रोमेटी सेंसर जो है कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे मोबाइल में फ़ोन आता है या फ़ोन हम किसी के पास करते हैं तो हमारे जो है डिस्प्ले की लाइट बंद हो जाती है दोस्तों। तो ऐसे में आपको एक सेटिंग है, सेटिंग में जाके आप जो है इसको ऑफ कर दोगे तो आपका जो है फ़ोन आएगा, या आप फोन आप किसी के पास फ़ोन करोगे तो आप जो है स्क्रीन की लाइट नहीं बंद होगी दोस्तों। तो यहाँ पे चलिए सेटिंग पे जाते हैं। सेटिंग पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको चले जाना है इन जो है इनकमिंग कॉल, यहाँ पे देखिए इनकमिंग कॉल सेटिंग पे, तो यहाँ पे ओके करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रोमेटी सेंसर यहाँ पे ऑन है, तो यहाँ से इसको ऑफ कर देंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ से हम इसको ऑफ कर देंगे। उसके बाद हम किसी के पास भी कॉल करेंगे तो हमारे डिस्प्ले की लाइट बंद नहीं होगी दोस्तों। ऐसा कब होता है, जब हमारा सेंसर खराब होता है तो ऐसा प्रॉब्लम होता है दोस्तों, या सेंसर में कोई कचरा चढ़ा भर जाता है तो हमारा प्रॉब्लम होता है दोस्तों। कोई भी फ़ोन करता है या हम रिसीव करते हैं तो हमारे डिस्प्ले की लाइट बंद हो जाती है, हम किसी के पास कॉल करते हैं तो अभी हमारे डिस्प्ले की लाइट बंद हो जाती है। तो इस सेटिंग से जो हम अपना प्रॉब्लम ठीक कर सकते हैं। चलिए लास्ट सेटिंग के बारे में बताते हैं दोस्तों, आपको ऑटो कॉल आंसर। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे दोस्तों कोई भी फ़ोन हमारे कोई भी हमारे पास कॉल करता है तो हमारा जो है ऑटो कॉल आंसर, मतलब हमारा फ़ोन अपने आप उठ जाता है। तो ये सेटिंग आप लोग यहाँ पे चला है सेटिंग पे। सेटिंग पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देखिए ऑटो कॉल आंसर पे चले जाइए। ऑटो कॉल आंसर पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए ये ऑन है, यहाँ से इसको ऑफ कर देंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से हम 5 सेटिंग के बारे में दोस्तों इस वीडियो में जाने। तो वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए। चैनल पर हमारे नए आए तो चैनल को नीचे जो लाल बटन दिख रहा है उसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।